दार्जिलिंग और गैंगटॉक ये नॉर्थ इंडिया के उन जन्नत जहां में से एक है जहां पे एक ना एक बार लाइफ में तो जरूर जाना चाहिए। इस वॉइस ओवर ब्लॉग में तीन कैरेक्टर्स हैं, पहला मैं, दूसरे मेरे मामा, तीसरा मेरा एडिटर यानी ये रोहन। अचानक से मूड बना कि चलो चलते दार्जिलिंग, निकल गए अपने BMW में। बीच पे सड़क पे रुकते हुए निकले वेस्ट बंगाल से, बॉर्डर पार किया और एंटर किए झारखंड में। झारखंड में जाते ही ऐसा सीन दिखा कि लगा नहीं यार व्लॉग तो बनता है यहाँ। और सनरूफ को खोलकर रोहन निकल गया इन वादियों का तस्वीर लेने। और यहाँ से गाड़ी का बोनेट भी दिख रहा है। और झारखंड के रोड का जितना तारीफ करें ना उतना कम है। झारखंड में रोड्स बड़े मस्त है, हाईवे की बात करें या नॉर्मल रोड्स की बात करें। एंड यहाँ पे जो सीन्स देखने मिल रहे थे वो भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। झारखंड में वैसे भी पहाड़ बहुत है, बट सुबह सुबह अगर कोई ट्रिप पे निकले और वो भी अपने कार से, तब जो एक्सपीरियंस होता है वो मजा आ जाता है। सुबह 7 बजे के करीब हम लोग निकले थे, उसके बाद बीच में 10 बजे के आसपास हम लोग रुके ब्रेकफास्ट के लिए। ये है उस समय के कुछ पिक्स। उसके बाद सीधा चलते 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 आखिरकार 12-13 घंटे के राइड के बाद अचानक से हम लोग पहुंचे दार्जिलिंग के रोड्स पे। मतलब दार्जिलिंग जाने टाइम क्या है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे आपका मेन ट्रांजिशन होता है। कब होता है? जब आप प्लेन एरिया को छोड़कर पहाड़ों के एरिया पर बढ़ने लगते हो। हम लोग पहुंचे उस जगह पे जहां से रोड अप हो रहा है और हम लोग को पता नहीं था, बट दार्जिलिंग में हम लोग एंटर कर रहे थे दार्जिलिंग के मेन एरिया पे। और तब जो रोड था वो देख के लगा कि क्या मैं चला पाऊंगा यहाँ पे। बट क्योंकि BMW एक ऑटोमेटिक गाड़ी है और इसमें गियर का कोई सिस्टम है ही नहीं, बस एक्सीलेटर, ब्रेक और स्टेरिंग एंड गियर ऑटोमेटिक लगता है, तो मुझे डर तो लग रहा था क्योंकि सांप जैसा रोड था ऐसे करके ऐसे पूरा टेढ़ा मेढ़ा रोड था और कहीं बहुत ज्यादा ही अप था और कहीं बहुत ज्यादा ही डाउन था। एंड मेरे लाइफ का ये फर्स्ट हिल ड्राइविंग एक्सपीरियंस था, बट मैं सक्सेसफुली ऊपर ले जा रहा था गाड़ी को। एंड वहां पे मुझे एक नियम के बारे में पता चला कि जो गाड़ियां नीचे से ऊपर आती है उनको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, जो ऊपर से नीचे आ रही है वो ऐसे साइड में रुक जाती है, जो नीचे से ऊपर जो जा रही है उन लोगों को पहले जगह दिया जाता है। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया कि हाँ, जो कैब वाले थे वो रुक जा रहे थे एंड जब हम लोग अपना गाड़ी ऐसे आगे बढ़ा रहे थे तब जाके वो नीचे आ रहे थे। तो ये एक न्यू नियम पता चला उस दिन। और क्योंकि रात हो गया था इसलिए हमें पता नहीं था कि हम लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, मतलब एटलीस्ट शुरुआत कर रहे हैं कि हाँ वो स्लोप बन रहा है। एंड सबसे मस्त बात पता है क्या है, हम लोग को रोड से बहुत ऊपर कुछ कुछ लाइट्स दिख रहे थे और जैसा होता है ना कि अपार्टमेंट के लाइट्स, और हम लोगों को लगा कि ये अपार्टमेंट के लाइट होंगे, लंबे लंबे अपार्टमेंट्स होंगे। और रात को उतना समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वैसे जंगल वाले एरिया में बहुत डार्कनेस होता है, बट अचानक से रियलाइज हुआ, अचानक से माइंड को स्ट्रक किया कि ये तो दार्जिलिंग दिख रहा है हम लोगों को, ये पहाड़ों के ऊपर बसा पूरा शहर दिख रहा है एंड ये हमारे लिए बहुत नॉवेल एक्सपीरियंस था। फिर एक जगह रुके, एक जगह कार को स्टॉप किया, ऑफ कोर्स पार्किंग ब्रेक लगा के किया, नहीं तो कार लुढ़क जाता पीछे। कॉन्शियसली पार्किंग ब्रेक लगाया, उतरा और ऐसे कुछ सीन्स कैप्चर किए, नाइट का ये यूनिक सा नजारा। फ्लैश में फोटो उतना अच्छा नहीं आ रहा था, नाइट मोड में लेकिन अच्छा आया था। और फिर रात को हम लोग सो गए एंड नाइट में उतना कुछ देखने नहीं मिला, मतलब लगा ही नहीं कि क्या दार्जिलिंग आ गए, कुछ सीन देखने नहीं मिल रहा है, तो सीन तो लाइट में ही ना देखने मिलेगा। सुबह उठे और होटल के बैल्कोनी से ही कुछ ऐसा देखने मिला जो कि देख के मुंह से निकला ओ भाई। मतलब मैं सो रहा था और अचानक से रोहन का आवाज आया ओ भाई, और जब उठ के देखा तो होटल वाले ने हमें बताया कि ये कंचनजंगा है। हमें तो फर्स्ट ग्लैंस में लग रहा था ये माउंट एवरेस्ट है क्योंकि वैसे ही दिख रहा है, बट ये वर्ल्ड का 3rd highest पीक वाला माउंटेन कंचनजंगा है। अब 3rd बोला है तो 1st, 2nd भी बता दूं। पहला है ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंचा पहाड़ है, दूसरा चाइना में K2 नाम का आता है, वो 2nd नंबर पे है, और ये 3rd नंबर पे है कंचनजंगा जो कि हम लोगों ने अपने आंखों से देखा। एंड ये इतना स्टिल था, पहली बात तो ये देखने पे एकदम हिमालय ऐसा लग रहा था, मतलब कैलाश पर्वत और माउंट एवरेस्ट वैसा फीलिंग आ रहा था, बट ये एक्चुअली में कंचनजंगा था। और कैमरे से इस पे जूम करने में बहुत मजा आ रहा था क्योंकि इसके ऊपर स्नो था। दार्जिलिंग हम लोग गए थे नवंबर के महीने में एंड बर्फ आपको इस टाइम नहीं मिलेगा, ना दार्जिलिंग में ना सिक्किम में। बर्फ का जो टाइम होता है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल में होता है,
एक्चुअल ठंडे के मेन टाइम पे। बट ये जो पहाड़ है इसमें तो हमेशा ही बर्फ देखने मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ये सब जीरो पॉइंट्स होते हैं, इसलिए यहाँ टेम्परेचर जीरो होता है। कंचनजंगा का जो व्यू है वो इतना मस्त था, कंचनजंगा के नीचे हमें बादल दिख रहा था। एंड ये तो कुछ नहीं है, आगे मैं आपको ऐसे ऐसे सीन दिखाऊंगा, मतलब रोड पे चल रहे हैं और रोड के नीचे बादल है, ऐसा भी आएगा, वेट एंड वॉच। तो पहाड़ के नीचे हमें बादल दिख रहा था और जो व्यू था वो बहुत ही गजब था। मतलब लकीली अनजाने में ही हम लोगों ने ऐसा होटल बुक किया था कि जो व्यू आ रहा था वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था। एंड वहां पे रोहन को कैट्स, उसकी फेवरेट कैट, एक रैंडम से मिली एंड ये ऐसे कुछ, एंड वो लग गया इसके साथ पिक क्लिक कराने में। एंड पीछे आप कंचनजंगा को भी देख सकते हो, एकदम जो होता है ना फिल्मी सीन, आप पे फोकस और बैक में एक एक्चुअल पहाड़, वही था इस जगह पे। फिर वहां से निकले और दार्जिलिंग के कुछ मेन जगहों पे घूमने के लिए हम लोगों ने कैब बुक किया, क्योंकि क्या है कि वहाँ के कुछ कुछ जगहों में, दार्जिलिंग और सिक्किम के कुछ कुछ जगहों पे आपको अपना गाड़ी अलाउड नहीं होता है, कुछ एक एल्टीट्यूड या फिर एक स्पेशल जगह पे आपको स्पेशल परमिट वगैरह लेना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने गाड़ी को पार्क कर दिया होटल पे, सेफ रख दिया एंड निकल गए घूमने। सबसे पहले ऑफकोर्स दार्जिलिंग जाने के बाद क्या घूमेंगे, टी गार्डन घूमे। टी गार्डन में कुछ ऐसा नज़ारा था, पूरा स्लोप पे टी ही दिख रहा था एंड टी गार्डन के ऊपर कंचनजंगा। टी गार्डन एक पीसफुल जगह जैसा फील हो रहा था, और आपको पता ही होगा कि दार्जिलिंग जो है वो पूरे इंडिया का टी यहीं से ज़्यादातर आता है मैक्सिमम। मतलब ऐसा लगता है ना कि हम लोग किसी सपने के अंदर है, कुछ वैसे ही लग रहा था। एंड दार्जिलिंग तो जस्ट ट्रेलर था, मूवी जो है वो है गैंगटॉक, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। दार्जिलिंग में वैसे बहुत सारे टी गार्डन्स हैं, जैसे हैप्पी वैली टी गार्डन, टी फैक्ट्री, रंगारून टी स्टेट, ऐसे मतलब बहुत सारे मिल जाएगा आपको, मेरे ख्याल से 50, 60 या 100 से भी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको इंडिविजुअल। एक रैंडम से टी गार्डन को देखने के बाद हम लोग गए दार्जिलिंग के रॉक गार्डन में, जहाँ पे पत्थर थे, वाटरफॉल गिर रहा था और बहुत बड़ा सा गार्डन एरिया था, नीचे था, ऊपर भी था और उसके ऊपर भी था। बट सबसे ऊपर वाले पे हम लोग नहीं चढ़े, हम लोग बस बेस पे और उसके ऊपर वाले जगह पे चढ़े, रॉक गार्डन दार्जिलिंग। उसके बाद क्या है कि रोड पे आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे, इन्हें कहते हैं व्यू पॉइंट्स, मतलब ऐसे पॉइंट्स जो कि रोड के बगल में ही बना दिए गए हैं, जहां से टूरिस्ट अलग अलग व्यू, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी व्यू मिलता है वहां से। तो व्यू पॉइंट्स को देखते हुए फिर हम लोग गए वहां के जू में, दार्जिलिंग का जूलॉजिकल पार्क। जहाँ भी मैं जू देखता हूँ वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये लगती है कि कोई भी जानवर एक्टिव नहीं होता है, सब या तो सो रहे होते हैं या तो गुफा के अंदर होते हैं। तो फिर जू जाने का फ़ायदा क्या हुआ, एक भालू दिखा, एक बकरी दिखी और एक बंदर दिखा, तो मुझे जू उतना खास नहीं लगा। उसके बाद पूरे दिन घूमने के बाद दार्जिलिंग जाके, जो कहते हैं ना पहला टी गार्डन और दूसरा चीज जो है दार्जिलिंग का सबसे पॉपुलर, वो है वहाँ का टॉय ट्रेन। जाए कि नहीं इस बात पे डिस्कशन चल रही थी, बट मैंने कहा नहीं, दार्जिलिंग आए तो टॉय ट्रेन पे बैठ के ही जाएंगे। एंड ये है टॉय ट्रेन का कुछ सीन जो मैंने अपने मोबाइल से कैप्चर किया था। ये क्या है कि ये जो ट्रैक है ये रोड के बगल पे ही बना हुआ है, साइड में आप गाड़ियों को देख सकते हो एंड इधर ट्रेन्स को देख सकते हो, जो कि लिटरली शॉप्स के इतने एक हाथ के दूरी पे चल रहा था। एंड ये एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा होता है। एक गलती ये थी कि दो टाइप के टॉय ट्रेन्स होते हैं, एक स्टीम ट्रेन जिसमें स्टीम इंजन होता है छुक 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 वाला, और एक डीजल। एंड वो जल्दी जल्दी अपने एजेंट से बुक करा दिया टिकट, बट हमें क्या मतलब, हमें तो एक्सपीरियंस से मतलब है ना, मुझे पता होता तो मैं बुक नहीं कराता, बट उसने कर दिया डीजल वाला। और डीजल ट्रेन बस ऐसी नॉर्मल ट्रेन की तरह चलेगा, आपको राइड देगा बस, बट जो स्टीम वाला है वो एकदम आवाज़ करेगा, ओ छुक 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 छुक, ओ छुक छुक करता है ना जो ट्रेन, वो आवाज़ करेगा, तो उसमें बैठना चाहिए था। बट एक्सपीरियंस तो सेम है। एंड मैं डीजल में बैठने का रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि या तो स्टीम में बैठो या तो मत ही बैठो। मत बैठो किस लिए, क्योंकि आप दार्जिलिंग जाओगे या तो अपने गाड़ी से जाओगे या फिर कैब तो करना ही होगा, तो जिस रोड पर कैब चलता है उसी रोड पर ट्रेन चलता है, तो सीन्स तो सेम मिलेंगे। सांप जैसा रोड आपको दिखेगा वो तो कार से भी मिलेगा, एंड अगर ट्रेन एक्सपीरियंस ही करना है तो स्टीम वाला करो, छुक 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 छुक, मज़ा आता है ना, जो आवाज़ आता है जिस ट्रेन में, पुराने ज़माना वाला।
तो टॉय ट्रेन हमें बहुत सारे जगहों पे ले जा रहा था एंड कुछ कुछ मेन मेन जगहों पे ये रुक भी रहा था। जैसे ये जो फेमस जगह है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है ये टी गार्डन पे आई लव दार्जिलिंग, इस जगह पे हम लोग गए एंड क्योंकि शाम हो गई थी तो पिक उतने अच्छे नहीं आए हैं, बट इस जगह पे हम लोग चले ही गए आखिरकार। आई लव दार्जिलिंग वाला जो कि सेंटर पॉइंट है, जो कि हर बहुत सारे मूवीज में आप देखे होंगे, एंड टॉय ट्रेन यहाँ भी रुकती है ताकि आप यहाँ पे पिक्स क्लिक कर सको और एक्सप्लोर कर सको। उसके बाद घूम फिर के हम लोग आ गए वापस होटल, देन वहाँ रिलैक्स करके सो गए और हमें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि हमें पता था कि नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम लोग निकलने वाले हैं गैंगटॉक के लिए। 8 बजे के करीब उठे और अपना बैग पैक किया एंड गूगल पे देख रहे थे दार्जिलिंग टू गैंगटॉक एंड फिर वही सांप जैसा रोड आने वाला था, बट मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं ड्राइव कर लूंगा एंड इवेंचुअली मैं किया भी, जैसे कि आपको पता चलेगा। उसके बाद हम लोग निकल गए गैंगटॉक के रोड पे एंड दार्जिलिंग से जो गैंगटॉक का रोड है वो उतना भी डेंजरस नहीं था जितना आप सिलीगुड़ी का जो प्लेन एरिया है वहां से जब आप दार्जिलिंग पे चढ़ते हो उसके कंपैरिजन में ठीक ही ठाक था रोड, मतलब ज्यादा नीचे या ज्यादा ऊपर नहीं था, पहाड़ पे था, डेंजरस था बट प्लेन टाइप का था, टेढ़ा मेढ़ा था लेकिन गहराई उतनी नहीं थी। दार्जिलिंग से गैंगटॉक जाने के टाइम बीच में खाने का उम्मीद मत रखना, मतलब कुछ अच्छा खाने का, क्योंकि ज्यादातर जगह पे आपको रोड के साइड में या तो मोमोज मिलेगा या तो मैगी मिलेगा या तो बिस्किट मिलेगा, यही सब मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस पिक में रोहन मैगी खा रहा है, मैं भी खाया था एंड हम लोग पता है कहाँ रुके हुए थे, हम लोग रुके हुए थे टिस्टा व्यू पॉइंट में जो कि दार्जिलिंग से गैंगटॉक जाने के बीच में ही पड़ता है और ये आप देख सकते हो ये है टिस्टा व्यू पॉइंट। नीचे जो आपको रिवर दिख रहा है ये है टिस्टा रिवर एंड इसके बगल में जो रोड देख रहे हो इवेंचुअली हमें यहीं पे जाना था, ऊपर से नीचे होके इस रोड पे जाना था हमें। फिर हम लोगों ने कंटिन्यू किया आखिरकार उस रोड को पार करके, फिर हम लोगों ने पार किया वेस्ट बंगाल और सिक्किम का बॉर्डर एंड वहाँ पे किसी भी तरह का चेकिंग तो हमें नहीं मिला, मतलब पहले था कि वैक्सीनेशन रिपोर्ट वगैरह देख रहे थे, कोविड टेस्टिंग हो रही थी, बट हम लोगों ने तो डबल डोज ले लिया था तो हमें वैसे भी किसी चीज का डर नहीं था कि हाँ कहीं रोकेगा, बट किसी भी गाड़ी को नहीं रोक रहा था। हम लोगों ने आराम से एंटर कर लिया सिक्किम और गैंगटॉक से 3-4 किलोमीटर दूर ही हमारा होटल था जो कि मैंने सुबह ही सुबह बुक किया था जाने के पहले। गैंगटॉक में जाने के बाद ये पता चला कि सिक्किम में या फिर उसके आसपास के ज्यादातर एरिया में आपको स्पेशल ट्रैवल पास चाहिए होता है घूमने के लिए, तो होटल वालों ने हमारा ट्रैवल पास बना दिया क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ जाएं। हम लोग के मन में था कि हमें ऐसी जगह जाना जहाँ बर्फ हो, बट बर्फ ज्यादातर कहीं नहीं था, वो था जीरो पॉइंट पे जो कि बहुत दूर था और उसमें ज्यादा टाइम 2 डेज 1 नाइट का ट्रिप था ऐसा कुछ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे नाथुला पे जाएंगे हम लोग एंड इन नाथुला क्या है आपको पता है, ये 14,140 फीट ऊपर मौजूद इस जगह पे इंडिया चाइना का बॉर्डर है एंड बॉर्डर सुनते ही एक अजीब सा थ्रिल आया मन में एंड हम लोग निकल गए नाथुला के लिए, क्योंकि इतना टाइम देने के बाद इंडिया चाइना बॉर्डर को एक्सपीरियंस करें ये हमें वर्थ इट लग रहा था। एंड जब जा रहे थे 14,000 फीट पे तब जो सीन दिखा, क्योंकि यहाँ पे लिटरली जन्नत एक्सपीरियंस हो रहा था एंड गाड़ी तो हम लोग का मस्त सेफली वहाँ पे होटल में पार्क था एंड क्योंकि यहाँ के ओला ड्राइवर्स ही यहाँ अच्छे से ड्राइव करते हैं इसलिए इन्हीं लोग को अलाउड था एंड पास वगैरह मिला हुआ था इन लोगों को। तो हम लोग कैब बुक करके गए और ये इतने स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि मक्खन है इन लोगों के लिए एंड हम लोगों ने पूछा भी कि आप कितने सालों से यहाँ ड्राइव कर रहे हो, तो उन्होंने कहा 23-25 साल हो गए हैं, मतलब 25 साल से ड्राइव कर रहे हैं। एंड वहाँ भी बीच बीच में व्यू पॉइंट देखने मिला, एक फिर से एक कंचनजंगा का व्यू पॉइंट देखने मिला एंड यहाँ पे जहाँ पे व्यू पॉइंट होता है वहीं पे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स में ये लोग कुछ बेचते हैं एंड यहाँ पे भी वही टिपिकल सीन हम लोगों ने कैप्चर किया, जूम करके लिया व्यू कंचनजंगा का एंड यहाँ से काइंड ऑफ और क्लोज दिख रहा था क्योंकि हम लोग और ऊंचाई पे जा रहे थे ना। दार्जिलिंग जो है वो 6,500 फीट ऊपर है बट गैंगटॉक थोड़ा और ऊपर है एंड जहाँ नाथुला जा रहे थे हम लोग वो 14,000 फीट ऊपर है जो कि बहुत होता है। एंड नाथुला जाते वक्त हम लोगों ने ऐसा सा व्यू कैप्चर किया, ये देखो यहाँ पे रोड के नीचे बादल दिख रहा है। फिर पहुंचे हम लोग बॉर्डर एंड यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीन कैप्चर किया बॉर्डर पे। ये जो दिख रहा है आपको ये है इंडिया का फ्लैग एंड ये जो वी शेप का वैली है, पहाड़ का कटिंग है, इसके इस साइड ये है चाइना
एंड बीच में ऑफकोर्स बॉर्डर भी बना हुआ था जो कि ऊपर में था, बट ऊपर कैमरा अलाउड नहीं था क्योंकि वहां पे इंडियन सोल्जर्स मौजूद थे। अब मैं आपको तो फोटोज नहीं दिखा सकता, बट जो एक्सपीरियंस किया वो बोल रहा हूँ। हम लोग गए ऊपर, कैमरा मोबाइल ये सब तो निकालना अलाउड था ही नहीं, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स मौजूद थे और वहाँ पे बीच में एक बाउंड्री वॉल बना हुआ था और उस साइड जस्ट मतलब यहाँ से 10-20 मीटर दूरी चाइनीज आर्मी का बिल्डिंग था। तो नाथुला जो ये जगह है इंडिया चाइना का बॉर्डर, ये लाइफ के सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से एक था। एंड फिर नाथुला से वापस आते हुए एक जगह पे ऐसा एक रॉक रखा हुआ था एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हमें, इसलिए इस पिक को हम लोगों ने कैप्चर कर लिया कि एक बार बहुत स्ट्रॉन्ग लाइटिंग यहाँ बिजली गिरी थी एंड उसी से ये पत्थर टूटा था। एंड आते वक्त कुछ ऐसा सीन कैप्चर किया हम लोगों ने, बगल में ही बादल दिख रहा है एंड हम लोग भी बादल में ही थे, बादल में ही ड्राइव कर रहे थे। बट बादल जो होता है ना वो मिराज की तरह होता है, जिंदगी की खुशी की तरह होता है, सार्केस्टिकली स्पीकिंग। मतलब जहाँ पे आपका गाड़ी चल रहा है वहाँ पे आपको बादल नहीं दिखेगा, बट दूर जरूर दिखेगा आपको बादल। बट हम लोग भी बादल के अंदर ही ड्राइव कर रहे थे। अब जैसे आपको आगे वहाँ बादल दिख रहा है, वहाँ जाओगे तो आपको और आगे दिखेगा बादल, सामने आपको एकदम नहीं दिखेगा कि हाँ कुछ आप कॉटन जैसा पकड़ लो उसको। बादल जस्ट बादल होता है, इनविजिबल टाइप का, जो कि दूर से ही कॉन्सेंट्रेटेड दिखता है। बाबा हरभजन सिंह के बारे में तो आप सुने होंगे, वो सोल्जर जो कहा जाता है कि आज भी वो पहरा देते हैं। तो सिक्किम में उनका एक टेम्पल है, बाबा हरभजन सिंह टेम्पल, एंड ये है उसका कुछ सीन। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि सूरज जो है वो 2 किलोमीटर दूर है, मतलब इतना इंटरेस्टिंग नज़ारा था यहाँ। एंड यहाँ पे शिव भगवान का एक टेम्पल भी था एंड चारों तरफ का आप नज़ारा देख सकते हो, मतलब ऐसा लग रहा था किसी फिल्मी सेट के बीच में है हम लोग। एंड जहाँ गाड़ी पार्क थी उसी टेम्पल के पास, उसके बगल में ही जैसे आप देख सकते हो वो बादल है, जस्ट सामने ही बादल है नीचे। आते वक्त जब हम लोग वापस आ रहे थे सिक्किम का सारा जगह घूम के शाम को होटल में, तब आते वक्त का सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया था। एंड कैब वाले अंकल भी हमें कह रहे थे कि ये ऐसा जो है एकदम इतना क्लियर सीन ऐसा कम ही दिखता है वहाँ पे, बहुत रेयर है उनके लिए भी। तो हम लोग सोचे कह रहे वाह, हम लोग भी मतलब बहुत रेयर टाइम पाए हैं। और ये आप देखो आते वक्त का सीन, बादल जो है वो सड़क के नीचे है, ये ड्राइविंग हो रहा है 14,000 फीट पे नाथुला से आते वक्त। और ऐसा लग रहा था कि कॉटन का कोई, मतलब मन कर रहा था उस पर कूद जाऊं, बट कूदूंगा तो नीचे के बदले डायरेक्ट ऊपर चल जाऊंगा। और आते आते अलग अलग व्यू पॉइंट्स पे और हम लोगों ने कैप्चर किया एंड ये लग ही नहीं रहा था कि रियल है। बिजली के टावर्स वो दिख रहे थे एकदम बादल में सटे हुए, घर दिख रहे थे और एकदम बोले तो एकदम हेवन जैसा फील हो रहा था। इन रोड्स पे आपको बहुत सारे आर्मी ट्रक्स भी दिखने मिलेंगे, मतलब ये तो बॉर्डर एरिया है इसलिए यहाँ पे आर्मी ट्रक्स दिखना बिल्कुल कॉमन है। एंड आते आते रोहन ने ऋतिक रोशन वाला ये कैप भी खरीदा एंड मैंने होटल में बैठे बैठे ये एक गोल मटोल से बच्चे सब पिक लिया। और उसके बाद हम लोग वापस आने लगे और फिर उस रात सो के नेक्स्ट सुबह हम लोग निकल गए घर के लिए। फिर गैंगटॉक से उतरे सिलीगुड़ी में, जो कि प्लेन एरिया है वेस्ट बंगाल का, एंड वहां से अपने घर, जो कि है, जी हाँ, फर्स्ट टाइम ऑफिशियली रिवील कर रहा हूँ, आसनसोल वेस्ट बंगाल, इंडिया, अर्थ, सोलर सिस्टम। और आते वक्त एक जगह ऐसे ही हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं, तब हम लोगों ने देखा ये गाड़ी का हालत क्या हो गया है, ये मैंने कैप्चर किया। मतलब इतना गंदा हो गया था कि लग रहा था कि हाँ ट्रिप से आए हम लोग, लग रहा था कि किसी लॉन्ग ट्रिप से आए हैं, मतलब गाड़ी ऐसे से ऐसा हो गया था। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने कार वॉश कराया एंड उसके बाद चमचमा दिया गाड़ी को, कार वॉश पे गया एंड पूरी तरह से एक एक गंदा गाड़ी से साफ करा दिया। तो ये था एक वॉइस ओवर व्लॉग दार्जिलिंग और सिक्किम का। एंड आप टेंशन मत लो, वो जो होता है ना एक्चुअल व्लॉग, ऐसे कैमरा में लेते हुए हाय गाइस ये हम लोग उठे और ये ब्रश किए, वो वाला व्लॉग भी आएगा। लेकिन ये मैंने जस्ट ट्राई किया कि देखो मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊं, टूर तो हर लोग करते हैं एंड कुछ कुछ ऑसम जगहों के बारे में जस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहुंचाऊं, ये था मेरा गोल इस वीडियो के थ्रू। एंड वो वाला व्लॉग भी आएगा एकदम रियल व्लॉग, बट ये था मेरा पहला वॉइस ओवर व्लॉग। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।